हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने 12th स्टैंडर्ड बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में हमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, गुडविल अकाउंट भी हम बना सकते हैं, पर ऑप्शनल है, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। अब स्टूडेंट्स, इनमें क्या लिखा जाएगा वो मैं बता दूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में जो भी लॉस होंगे वो रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में जो भी प्रॉफिट होंगे वो रिकॉर्ड होगा, कैश बिजनेस में आया तो डेबिट में, कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट में। ओके, हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ये दो पहले पार्टनर जो होते हैं वो ओल्ड पार्टनर होते हैं, और हमेशा थर्ड पार्टनर को जो न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है उसे थर्ड कॉलम में ही लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों ओल्ड पार्टनर है और ये न्यू पार्टनर है जो एडमिशन ले रहा है उसे थर्ड कॉलम में लिखा गया है। बैलेंस शीट में यहाँ पर एसेट्स रिकॉर्ड होंगे और यहाँ पर लायबिलिटीज। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना होगा और सॉल्यूशन बोर्ड पर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2018 दिया हुआ है। इसके बाद इस बैलेंस शीट के एक दिन बाद मीन्स 1st अप्रैल 2018 को अपर्णा जॉइंट्स द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर। अपर्णा न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन ले रही है। ओके, अपर्णा बिजनेस में एंट्री ले रही है तो वो बोल रही है जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में उसका 1/5 पार्ट मुझे चाहिए प्रॉफिट के रूप में। दैट मींस एक साल वो बिजनेस करेंगे सभी मिलकर और जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 1/5 मतलब 5 में से 1 हिस्सा किसे चाहिए? अपर्णा को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, 1 में से 5 कहने का मतलब है अगर 10 है तो 10 में से 2 चाहिए उसे, 1/5 जो भी अमाउंट आया उसका 1/5 कर दीजिए। जैसे 5,000 है तो उसका 1/5 कितना होगा? 1,000। तो 1,000 किसका हो जाएगा? अपर्णा का, और बाकी जो बचेगा वो ये दोनों शेयर करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो भी कॉन्सेप्ट है लेकिन उसे हम डिटेल में बाद में जानेंगे, पहले एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब अपर्णा ने कहा कि 1/5 शेयर इन प्रॉफिट उसे चाहिए तो ये लोग कहेंगे हमने बिजनेस पहले से, ये लोग मतलब सुजाता और पौर्णिमा कहेंगे हमने बिजनेस पहले से एस्टैब्लिश किया हुआ है और आप डायरेक्ट आ रहे हो और प्रॉफिट का डिमांड कर रहे हो तो हमें गुडविल देना होगा, जो हमने आज तक बिजनेस का रेपुटेशन बनाया है आपको एंट्री लेने के लिए, बिजनेस में एंट्री लेने के लिए और प्रॉफिट फ्यूचर में शेयर करने के लिए आपको गुडविल देनी होगी। तो जो न्यू पार्टनर आता है वो गुडविल लेकर आता है जो ये ओल्ड पार्टनर्स ले लेते हैं अपने नाम पर, क्रेडिट कर लेते हैं। जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो गुडविल के साथ साथ में कैपिटल भी लाता है, कैपिटल खुद के लिए लाता है। कैपिटल मीन्स वो कैश थोड़ा और लेकर आता है जो अपने लिए वो बिजनेस में यूज करेगा, अपने नाम पर रखेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको लंबे समय तक याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि न्यू पार्टनर 2 चीजें एडमिशन के टाइम लेकर आएगा। पहला गुडविल, गुडविल
किसके लिए? ओल्ड पार्टनर्स के लिए, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर ही लेंगे। और कैश लाएगा किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए लाया तो उसे क्या कहेगा? वो कैपिटल कहेगा। कैश लाया, कैश बिजनेस में रखकर बोलेगा कि ये मेरे नाम का कैपिटल है। इस तरह से स्टूडेंट्स बात को थोड़ा आसानी से याद रखने के लिए आप गुडविल को घूस समझिए, रिश्वत समझिए, ठीक है? रिश्वत बोलेंगे तो आपके दिमाग में आसानी से बात समझ में आएगी। कोई भी नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, थर्ड पार्टनर ज्वाइन होना चाहता है, तो पहले के जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर है वो घूस मांगेंगे कि हमारी संस्था को आप ज्वाइन कर रहे हो, हमारी संस्था में एंट्री मार रहे हो, तो पहले घूस दो, मींस गुडविल दो। और जब वो गुडविल देगा तो गुडविल घूस है, कौन लेगा? जो लोग वहां पर पहले से हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टनर वो गुडविल ले लेंगे, अपने नाम पर क्रेडिट करेंगे, लेकिन बगल में एक्स्ट्रा और पैसे थर्ड पार्टनर लेकर आया है वो पैसा अपने नाम पर रखेगा, जिसे कैपिटल कहेगा, वो अपने नाम पर अपने कैपिटल के कॉलम में क्रेडिट करेगा। ओके, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा पूरी तरह से। चलो सॉल्यूशन चालू करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको एसेट्स दिख रहे हैं, सारे एसेट्स उठाकर हम एसेट्स में ही लिखेंगे। लाइबिलिटीज दिख रही है, सारी लाइबिलिटी उठाकर हम लाइबिलिटी में ही लिखेंगे, लेकिन जो भी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन एसेट्स लाइबिलिटी में हुआ है उसे एड प्लेस करके अगर दुख नजर आ रहा है लॉस तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और सुख नजर आ रहा है मतलब प्रॉफिट तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो हियर फर्स्ट एसेट इज गिवन टू अस लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इज 60,000। वी आर रिकॉर्डिंग हियर लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 60,000। स्टूडेंट एडजस्टमेंट है इसके अंदर, प्लस माइनस करना है, इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, प्लस माइनस करके फाइनल फिगर बाहर कॉलम में जाएगा। सेकेंड एसेट्स है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 70,000। 70,000 फर्नीचर, फर्नीचर नेक्स्ट एसेट्स है, इसका अमाउंट है 24,000। 24,000 देन सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का जो अमाउंट है 26,000। स्टूडेंट्स लास्ट एसेट स्टॉक है, स्टॉक है हमारे पास 40,000। ओके, एंड कैश जो एसेट दिया हुआ है कैश का कॉलम हम अलग से बना लेंगे, क्योंकि कैश में ज्यादा अप एंड डाउन होता है, तो कैश का कॉलम अलग से बना लीजिए। तो पहले से हमारे बिजनेस में कैश जो पड़ा हुआ है उसे हम लोग बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसे बिगिनिंग डाउन भी समझने के लिए कह सकते हैं, मतलब बिगिनिंग कर रहे हो तो ब्रॉड डाउन, बिगिनिंग डाउन, और क्लोज कर रहे हो तो सीढ़ी, क्लोज डाउन या कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन। ओके, तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड है और नीचे लास्ट में कैरी फॉरवर्ड लिखा जाएगा। तो कैश अकाउंट में कैश नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे? बैलेंस। और बिगनिंग कर रहे हो इसलिए बिगनिंग डाउन। ओके, वी बिगनिंग विद हाउ मच? 80,000 ऑलरेडी इन आवर अकाउंट, देयर इज 80,000। ओके, लायबिलिटी साइड दे हैव गिवन कैपिटल। तो पहले से सुजाता का जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है कैपिटल, वो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस। बिगनिंग हो रहा है तो वापस बिगनिंग डाउन, मींस ब्रॉड फॉरवर्ड। जो अमाउंट है सुजाता का वो 1,00,000 है, मतलब सुजाता का बिजनेस में 1,00,000 लगा हुआ है। पौर्णिमा का 1,40,000 है, मतलब पौर्णिमा ने बिजनेस में 1,40,000 लगाया हुआ है कैपिटल।
लायबिलिटी क्रेडिटर्स, यहां पर स्पेस छोड़कर क्रेडिटर्स लिखना है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर 34,000, 34,000. बिल्स पेबल इज द लास्ट लायबिलिटी, बिल्स पेबल दे सेड 26,000, 26,000. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने बैलेंस शीट रिकॉर्ड कर लिया. क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया हुआ था वहां से सारे एसेट्स उठाकर एसेट्स में लिखे गए, सारी लायबिलिटीज उठाकर लायबिलिटी में लिखी गई. सिर्फ दो चीजों को अलग कर दिया जाता है. कैपिटल अकाउंट तुमने बनाया इसमें कैपिटल का अमाउंट कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे और कैपिटल शब्द नहीं बैलेंस लिखेंगे. सिमिलरली कैश एसेट्स में नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट तुमने बनाया है तो कैश अकाउंट में लिखेंगे और कैश शब्द नहीं लिखेंगे, बैलेंस. बरोबर, ठीक है. चलो अब इसके बाद में एडजस्टमेंट दिए हुए नीचे, तो एडजस्टमेंट्स कंप्लीट किया जाए. द स्टेटमेंट हम रीडिंग ऑन 1st April 2018 अपर्णा ज्वाइंस द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस. तो ये फॉलोइंग जो नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, इन एडजस्टमेंट इन शर्तों के तहत तीसरे पार्टनर को एडमिशन दिया गया. तीसरा पार्टनर मींस अपर्णा, अपर्णा को एडमिशन दिया गया. तो पहली शर्त है गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 lakh. अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो देखिए स्टूडेंट्स, पूरे फर्म का जो गुडविल इन लोगों ने कैलकुलेट किया, अंदाजा लगाया, तो वो था 2 lakh. तो 2 lakh गुडविल है, तो 2 lakh गुडविल है, तो ये जो अपर्णा आ रही है ये पूरे बिजनेस का गुडविल नहीं देगी, ये सिर्फ अपने शेयर के हिसाब से ही गुडविल देगी. इसका शेयर क्या है 1/5. जैसे स्टूडेंट मान लीजिए कोई भाड़ोत्री आ रहा है किसी बड़े से गेस्ट हाउस में रहने के लिए. अब गेस्ट हाउस में मान लीजिए 5 बड़े बड़े कमरे हैं और उसे एक ही कमरा चाहिए, एक ही कमरे का फैसिलिटी उसे चाहिए. तो अब बताइए वो 5ों का भाड़ा देगा या एक ही कमरे का भाड़ा देगा. करेक्ट, एक कमरे की फैसिलिटी ले रहा है तो एक ही कमरे का वो भाड़ा देगा, बाकी 4 रूम तो वो यूज नहीं कर रहा है तो बाकी 4 कमरे या बाकी 4 रूम के वो भाड़ा नहीं देगा. तो सिमिलरली यहां पर वो पूरा प्रॉफिट तो खुद लेगा नहीं, सिर्फ 1/5 प्रॉफिट फ्यूचर में लेने वाला है, एक 1/5. तो गुडविल भी पूरा बिजनेस का कैलकुलेशन जो हुआ है पूरे बिजनेस का 2 lakh है, तो पूरा का पूरा गुडविल ये नहीं देगा, ये सिर्फ 1/5 गुडविल देगा. तो 2 lakh का 1/5 होता है 40,000. 2 lakh को 5 से डिवाइड कर दीजिए, दैट मींस 1/5 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 lakh को 5 से कैंसिल करेंगे तो 40,000 होता है. तो 40,000 यहां पर गुडविल लाएंगे इन कैश. तो देखो न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है कैश के फॉर्म में, तो वो कैश पकड़ा जाएगा और कैश बॉक्स में डाल दिया जाएगा. तो यहां पर कैश में यहां लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट. कितनी गुडविल लाई इसने, 40,000, 2 lakhs का 1/5, 40,000. और गुडविल मैंने बताया गुडविल घूस है, घूस कौन लेगा, पुराने पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर कौन है, सुजाता है पौर्णिमा. तो यहां पर गुडविल अकाउंट लिखेंगे. सुजाता और पौर्णिमा का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो देखा जाए कितना दिया है क्वेश्चन में, इक्वली बोला है, इक्वली सुजाता एंड पौर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट इक्वली. तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन जो है वहां पर लिखा है ओल्ड रेशियो इक्वल था, तो जो गुडविल जो घूस आया है
वो ये लोग इक्वल शेयर करेंगे, तो 40,000 को इक्वल इक्वल शेयर कर दो, 20,000 ये और 20,000 ये। तो देखिए एडजस्टमेंट का कभी भी एक डेबिट और एक क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ 40,000 का डेबिट इफेक्ट हुआ है और यहाँ 40,000 का क्रेडिट साइड में इफेक्ट हुआ है। और गुडविल का रिकॉर्ड करते टाइम हमेशा गुडविल भी लिखना है, जहां भी लिखो दोनों साइड गुडविल वर्ड ही लिखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपर्णा इज टू ब्रिंग इन ₹1,00,000 एज कैपिटल। अब अपर्णा कैपिटल भी ला रही है, तो कैपिटल ला रही है तो किसके लिए लाएगी, खुद के लिए, तो वो 1,00,000 1,00,000 और ला रही है। और क्या बोल रही है, ये अब मैं अपने लिए लाई हूं, अपने नाम पर रखूंगी। तो ये 1,00,000 कैश आया तो बिजनेस कार रखेगा, वो भी कैश बॉक्स में रखेगा। तो टू अपर्णा है ना, तो इस तरह से लिखा जाएगा अपर्णास कैपिटल अकाउंट, अपर्णास कैपिटल अकाउंट। तो अपने कैपिटल के नाम पर वो कितना ला रही है, 1,00,000। ठीक है, कैश बॉक्स में कैश रख दिया तुमने, और ये अपने नाम पर छपवाएगी, मतलब ये खुद के लिए बोलाई है 1,00,000 बाय कैश अकाउंट। नाम रिवर्स होगा, कैपिटल में कैश अकाउंट लिखा जाएगा और कैश अकाउंट में कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। ओके, तो अब बच्चे समझ सकते हो, सुजाता का पहले से कैपिटल 1,00,000 लगा हुआ है, पूर्णिमा का 1,40,000 और इसने भी अपने नाम पर कैपिटल लगा लिया 1,00,000। ओके, तो इस तरह से गुडविल और कैश बिजनेस में दो चीज लाई गई। ओके, एक बार वापस से रिवाइज कर लिया जाए, स्टूडेंट्स बताइए गुडविल क्या है, घूस है। गुडविल आ रहा है तो कौन से फॉर्म में आ रहा है, कैश के फॉर्म में, तो कैश लेकर उसे बिजनेस के कैश अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। ओके, अब गुडविल जो लाई अपर्णा, वो पूरे बिजनेस का गुडविल कितना था, 2,00,000, लेकिन 2,00,000 पूरा नहीं देगी, वो हर शेयर ऑफ गुडविल देगी, उसका शेयर कितना है 1/5, तो 2,00,000 का 1/5 कितना हुआ, 40,000, तो सिर्फ 40,000 ही लाएगी, 40,000 डेबिट। और यहाँ पर पुराने पार्टनर, वो हमेशा पुराने पार्टनर लाएंगे, 40,000 लाए तो उसमें से 20,000 सुजाता ले लेगी और बचा 20,000 पौर्णिमा, उनके क्रेडिट में दिखाया जाएगा। और जब कैपिटल लाया अपर्णा ने, तो कैपिटल किसके लिए लाएगी, खुद के लिए, तो कैपिटल भी कौन से फॉर्म में ला रही है, कैश के फॉर्म में, तो कैश के डेबिट में लिखा जाएगा अपर्णास कैपिटल, वो खुद के लिए कैपिटल लाई है 1,00,000, और उसके क्रेडिट में दिखा दिया जाएगा अपर्णा के नाम पर, कि उसके नाम पर क्रेडिट किया जा रहा है कैपिटल 1,00,000। ओके, हियर कैश अकाउंट। नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो प्रोविजन मींस आरडीडी, ऑन डेटर लेगा तो आरडीडी होता है, तो हमें आरडीडी शो करना है। डेटर्स पर आरडीडी हमेशा क्या होता है, लेस होता है, तो लेस वी आर शोइंग हियर लेस आरडीडी। आरडीडी दे सेड हाउ मच, 10%, 10% मींस एक जीरो घटा देना है, तो 2,600 होता है। आरडीडी हमेशा क्या होगा, लेस। स्टूडेंट्स एसेट्स आपकी कम हो रही है, एसेट्स आपका रिड्यूस हो गया, मतलब ये आपको लॉस है, लॉस है, तो हम आरडीडी का सेकंड इफेक्ट कहां लिखाएंगे, डेबिट साइड, यहां पर लिखा जाएगा टू आरडीडी अकाउंट एंड द अमाउंट इज हाउ मच, 2,600, करेक्ट, ये हो गया आरडीडी। इसके बाद में कुछ एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दिए हुए, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹80,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो भी वैल्यू है उसे भूल जाओ, नया वैल्यू उन्होंने बताया कि 80,000 है उसका मार्केट में वैल्यू है, तो 60 का 80 हो गया, दैट मींस एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम लोग, लेस, लेकिन एप्रिसिएशन क्या किया जाएगा, एड, तो यहां पर एप्रिसिएशन एड हो रहा है, कितना एप्रिसिएशन हुआ बताइए, 20,000, 60-20 मिलकर 80 हो गया, ये एप्रिसिएशन है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, मींस ये आपको प्रॉफिट है, और
किस साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाए बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हाउ मच इज द एप्रिसिएशन? 20,000। ओके नेक्स्ट, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। ये स्टॉक जो है और प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 20% रिड्यूस हो गए, मतलब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन शो किया जाए 20% लेस डेप्रिसिएशन 20%। बताइए 10 हटाने पर 10% होता है 7,000, 10% 7,000 है तो 20% 14,000 हो जाएगा, 14,000 लेस है क्योंकि डेप्रिसिएशन है। सेकेंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन दुख की बात है, डेबिट में आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, हाउ मच इट इज? 14,000, 14,000। नेक्स्ट, स्टॉक को भी डेप्रिसिएट करना है 20% लेस डेप्रिसिएशन, 20% कितना होगा? 10 डाला तो 4,000, 10% हुआ, 10% 4,000 है तो 20% 8,000 होगा, 8,000। ओके डेप्रिसिएशन देयरफॉर लेस। ओके डेप्रिसिएशन दुख की बात है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा टू स्टॉक अकाउंट, द अमाउंट इज 8,000। ओके दिस वे सॉल्यूशन इज ओवर, क्वेश्चन हमने पूरा कवर कर लिया है, अब सिर्फ प्लस माइनस करना है। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, इस साइड में क्या लिखा हुआ है? लॉस, बिजनेस को अगर लॉस होगा तो इस साइड लिखा जाएगा, ये डेबिट साइड है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड। तो लाइन एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, प्रॉफिट हुआ है इसलिए क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई है इसलिए डेप्रिसिएशन दुख की बात है यहाँ पर। और आरडीडी डेटर्स को कम करता है, हमारे ग्राहक कम हो जाते हैं उसकी वजह से हमें लॉस होता है, लॉस है इसलिए डेबिट साइड में। ओके चलिए अब इसे हम लोग प्लस माइनस करके बंद करते हैं। तो प्लस माइनस पर ध्यान दीजिए, हियर सबसे पहले इसे बंद किया जाए, स्टूडेंट्स जहां पर बड़ा होगा उसे पहले प्लस करेंगे, यहां ज्यादा दिख रहा है तो इसे पहले प्लस करेंगे 20,000, वही 20,000 इस साइड कॉपी करो 20,000। अब 20,000 में से ऊपर का पूरा हम लेस करेंगे, तो ऊपर का पूरा कितना है? 2 और 8 10, 10 और 14 24, 24,600 है, 24,600। ओके इसे माइनस करेंगे हम, ये ज्यादा है स्टूडेंट्स, इस साइड ज्यादा नहीं है, इस साइड ज्यादा है, तो जो बड़ा वैल्यू होगा वही रिकॉर्ड करेंगे हम। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार वापस से देखिए, जब हम प्लस माइनस करने गए तो बड़ा वैल्यू देखकर पहले रिकॉर्ड होगा, तो बड़ा 20,000 नहीं है, इस साइड ज्यादा है, ये ज्यादा है, हाउ मच इट इज? 24,600, तो 24,600 दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे, जो बड़ा वैल्यू है वो दोनों साइड रिकॉर्ड होगा। अब छोटे साइड में देखेंगे कि कितना बैलेंस बच रहा है, तो 24,600 में से 20,000 लेस कर दो तो 4,600 बचता है, इसे हम शेयर कर देंगे, ये बिजनेस को लॉस माना जाएगा, इस साइड बचता तो प्रॉफिट माना जाता, लेकिन इस साइड बचा है इसलिए बिजनेस को लॉस माना जाएगा। तो बिजनेस को लॉस कितने का हुआ? एसेट्स अप एंड डाउन होने की वजह से 4,600, 4,600 जो लॉस हुआ है, ये पुराने बिजनेस का हिसाब किताब देखा जा रहा है, इसलिए सिर्फ पुराने पार्टनर को ही ये लॉस सहना पड़ेगा। तो बाय कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स का नाम चाहिए, सुजाता एंड पौर्णिमा, इक्वल रेशियो है इसलिए हाफ ऑफ दोनों के नाम पर चढ़ाएंगे, 2,300 सुजाता लॉस सहेगी और 2,300 पौर्णिमा की लॉस सहेगी। स्टूडेंट देखिए ये अमाउंट किस साइड है? क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ये अमाउंट कहां पर है? क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट से इसे ट्रांसफर किया जाएगा डेबिट में, तो डेबिट में ट्रांसफर किया जाए
टू नाम बताइए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सुजाता के नाम पर कितना आया 2300 और पौर्णिमा के नाम पर भी कितना है 2300। ओके, ध्यान रखिए जो भी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आता है सिर्फ पुराने पार्टनर्स को ही बांटा जाता है, क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी अभी आया है, तो जो भी लॉस या प्रॉफिट हुआ है वो पुराने पार्टनर्स का किया गया है, पुराने पार्टनर से शेयर करेंगे। ओके, नाउ कैश अकाउंट भी क्लोज कर लिया जाए पहले। बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने बताया जिस साइड लार्जर अमाउंट हो वहां पहले प्लस करेंगे, तो यहां पर लार्जर अमाउंट है वहां तो है ही नहीं। कितना हो रहा है ये 2,20,000, यही अमाउंट इस साइड ट्रांसफर करो 2,20,000। अब 2,20,000 में से ऊपर का पूरा माइनस करेंगे, लेकिन ऊपर माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो पूरा अमाउंट बचेगा 2,20,000। ये बच गया तो इसे क्या कहेंगे, बाय बैलेंस। क्लोज कर रहे हो इसलिए क्लोज डाउन, मतलब कैरी फॉरवर्ड मींस क्लोज डाउन, तो क्लोजिंग में क्लोज डाउन लिखा जाएगा। क्रेडिट से इसे कहां पर पहुंचाओगे, डेबिट में, डेबिट में मतलब एसेट्स, तो एसेट्स में रिकॉर्ड किया जाए 2,20,000 कैश का फाइनल फिगर, कैश अकाउंट 2,20,000 फाइनल फिगर, इसे प्लस माइनस नहीं करना है, फाइनल है इसलिए बाहर निकाल दो। ओके, इसे भी बंद किया जाए, कैपिटल अकाउंट को बंद कर रहे हैं हम लोग। न्यू पार्टनर का पहले देख लेते हैं, 1,00,000 इस सेट में ज्यादा है वही 1,00,000 इस सेट ट्रांसफर किया जाएगा। 1,00,000 में से ऊपर का पूरा माइनस करो, कुछ है नहीं तो पूरा बचेगा 1,00,000। यहां पर देखिए पौर्णिमा का बड़ा अमाउंट है 1,60,000 किससे ट्रांसफर होगा 1,60,000, इसमें से 2,300 लेस कर दो, तो 2,300 लेस करने पर आएगा 7,9-2 अगेन 7 एंड दिस विल बी 1,57,700। नाउ सिमिलरली सुजाता का भी कॉलम बंद किया जाए 1,20,000 ट्रांसफर दिस साइड 1,20,000 माइनस अप अमाउंट, तो इसमें से 2,300 लेस कर दो तो बचेगा 1,17,700, करेक्ट है, इट्स करेक्ट। नाउ ये जो अमाउंट बचे हैं वो आगे ट्रांसफर होने वाले हैं, ये और ये अमाउंट्स आगे ट्रांसफर होंगे। ओके, तो बताइए ये बचे हुए अमाउंट है तो वापस क्या लिखेंगे, बैलेंस, जो अमाउंट बचता था उसे बैलेंस लिखा जाता है, और क्लोज कर रहे हो उसके लिए क्लोज डाउन, तो यहां पर लिखा गया बाय बैलेंस क्लोज डाउन। नाउ अमाउंट किस साइड है, डेबिट साइड, डेबिट से कहां पर पास किया जाएंगे, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में पास किया जाए कैपिटल अकाउंट्स। अब ये नए बिजनेस का बैलेंस शीट है, नए बिजनेस में तीनों पार्टनर अब दिखाई देंगे, अब से तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस करेंगे। तो पहले पार्टनर का नाम सुजाता, दूसरे पार्टनर का नाम पौर्णिमा, तीसरी पार्टनर न्यू पार्टनर अपर्णा। बिजनेस में इनका कितना कितना लगा हुआ है, अब आज से 1,17,700 सुजाता का कैपिटल माना जाएगा, पौर्णिमा का 157,700 समझा जाएगा, और अपर्णा का कैपिटल जो है वो 1,00,000 है। स्टूडेंट्स अब इसे प्लस करो, दोनों साइड प्लस करके अगर सेम आया तो आपका सॉल्यूशन परफेक्ट है, 3,07,054। देखिए जरा टोटल किया मैंने, अमाउंट करेक्ट है क्या, यस इट्स करेक्ट। नाउ हियर नो प्लस माइनस, यहां पर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो अमाउंट ऐसे ही बाहर निकाल देंगे, अगेन हियर नो प्लस माइनस, टेक इट आउट एज इट इज,
इसे प्लस करके देख लो कितना होता है, इसे प्लस करने पर हो रहा है 400, 400, 9 and 6, 15, बचेगा 1, 11 और 2, 13, 13, एक बचा 1 and 3, 4, 435,400, यही अमाउंट सेम यहां पर आना चाहिए तो ही करेक्ट सही माना जाएगा। माइनस कीजिए, ये अमाउंट बाहर है, इसे भी माइनस करके बाहर निकालिए तो 56,000, 56,000 करेक्ट है। नेक्स्ट माइनस कीजिए, यहां पर कुछ माइनस प्लस माइनस नहीं है तो अमाउंट ऐसे ही बाहर आ जाएगा 24,000। यहां पर बताइए कोई प्लस माइनस, सॉरी माइनस करना है, हाउ मच इट इज कमिंग, 425 में से टू गया तो 23, इसको कीजिए फाइनल 32,000, 32,000 इसका अमाउंट बाहर है, इसे प्लस कीजिए फाइनल देखिए कितना आता है, 400, 6 and 4, 10, 10 and 5, 15, कैरी 1, 9, 9 and 5, 14, 14 and 2, 16, 16 and 2, 18, 18 and 2, 20, 18 and 3, 21, 21 and 2, 23. Now 2 carry, 2 and 2, 4. Check both sides, we are getting same. 435,400. This way our solution is completed and it's very much perfect. Okay students, तो ये पहला question था, थोड़ा आपको hard लगा होगा लेकिन ये बहुत ही easy है। जब तक 4-5 question हम करेंगे नहीं तब तक पूरा concept mind में clear नहीं होगा, तो आप घबराइए नहीं, घाई मत कीजिए, रिलैक्स रहिए, 2-3 क्वेश्चन और होने दीजिए, उसके बाद श्योर है, गारंटी है कि आपको ये समझ में आएगा, करेक्ट। स्टूडेंट्स, ये एडमिशन चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट किया गया, इसकी जानकारी आपके फ्रेंड्स को भी मिलनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, फाइनली प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, थैंक यू।